ठीक है अब आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कि हमारे पास नॉर्थ में क्या है ईस्ट में क्या है साउथ में क्या है एंड व्हाट डू वी हैव इन वेस्ट ओके साथ साथ मैंने अपनी नेबरिंग uh, कंट्रीज जो है पाकिस्तान की उन सब के नेम में जो है इंडिकेशन uh, ऐसे कर दिए कि अगर आप इनके नेम्स को देखें तो इनमें कलर्स दिए हुए ये जो कलर्स हैं इन हर इस कंट्री के फ्लैग के कलर से इंस्पायर लिए गए हैं जैसा कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट चाइना चाइना का जो कलर है फ्लैग का कलर है उसमें सारा रेड रेड कलर का रोल है और उसमें जो येलो कलर का रोल है वो स्टार्स में है अगर आप उनके फ्लैग्स को भी देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे वी अफगानिस्तान सो अगर आप अफगानिस्तान को देखेंगे उसमें ब्लैक कलर 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 है 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 वाइट रेड एंड देन ग्रीन ठीक है अब हमारे पास बॉर्डर्स हैं इन चारों कंट्रीज के साथ समझ लीजिए हमारी ये जो चार कंट्रीज हैं ये चार कंट्रीज हमारी नेबर कंट्रीज हैं इन साउथ वी अरेबियन सी सो वी वीर नो कंट्री इन सो वी हैव नो नेबर इन इन साउथ बिकॉज इट बिकॉज साउथ में अरेबियन सी है ईस्ट में हमारे पास इंडिया है जिसके पास इंडिया हमने ज्यादातर देखा है कि जो वाघा बॉर्डर सुना है हमने तो वाह अतारी ऐसा होता है कि वाघा टू अतारी वाघा इज इन लाहौर पाकिस्तान वाइल अतारी इज इन अमृतसर इंडिया ठीक है ये बॉर्डर है जो कि अगर इंडिया पाकिस्तान और इंडिया को कनेक्ट करता है अकॉर्डिंगली वो ये है ईरान में ईरान को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करने के लिए अच्छा ईरान जो है कि हमारा वेस्ट में है ठीक है और इंडिया हमारी ईस्ट में तो बुलान पास जो है वो ईरान को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करता है फिर उसके बाद अफगानिस्तान देखिए अफगानिस्तान की जो लोकेशन है अफगानिस्तान ना तो वेस्ट में आ रहा है ना तो नॉर्थ में आ रहा है तो वेस्ट और नॉर्थ के दरमियान है सो so इसकी जो लोकेशन है वो इस तरह से होगी नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री अफगानिस्तान इज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान और खैबर पास जो है कि बॉर्डर है एंड देन सेम वो ये है अब चाइना चाइना भी इसी तरह ना तो ईस्ट में है ना तो नॉर्थ में है कुंजराब 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 पास पास जो है यानी बॉर्डर के जरिए चाइना और पाकिस्तान जो है के लिंक होता है अब नेक्स्ट है अब नेक्स्ट जो है स्लाइड में इस नेक्स्ट स्लाइड में आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने पाकिस्तान की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन रही है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान अब आपके जहन में शायद ये सवाल आ रहा हो कि भाई सबसे पहले मोहम्मद अली आदमी जो है कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल है ये पाकिस्तान के प्रेजिडेंट क्यों नहीं रहे तो इसका जवाब ये है कि फर्स्ट जो जो उस टाइम में जो गवर्नर जनरल से वही प्रेजिडेंट हुआ करते थे तो आप ये कह सकते हैं कि प्रेजिडेंट जो है इन फर्स्ट यानी कि गवर्नर जनरल को प्रेजिडेंट बनाया गया यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसको रीनेम किया गया फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारे कायदे आज मोहम्मद अली जना सेकेंड ख्वाजा नजमुद्दीन साहब थर्ड हमारे पास गुलाम साहब गवर्नर जनरल मिर्जा साहब ही, so, ही पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने क्योंकि इसको रीनेम किया गया आप ये कह सकते हैं एंड देन टोटल प्रेजिडेंट्स जो है ठीक है अगर प्रेजिडेंट कोई नहीं होता तो फिर उसकी जगह एक्टिंग प्रेजिडेंट कहलाया जाता है टोटल प्रेजिडेंट्स पाकिस्तान सो फार जिनमें तीन एक्टिंग थे और थर्टीन प्रेजिडेंट थे फिर उसके बाद करंटली हमारे पास सेवनटीन करंट प्रेजिडेंट ऑफ इस्लामी जमूर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफुलरहमान अलवी साहब हैं फिर अगर आप पाकिस्तान के प्रेजिडेंशल हिस्ट्री पर जाएँ तो फर्स्ट प्रेजिडेंट जो थे स्कंदर मिर्जा साहब उनका जो ट्रेनियोर है वो यहाँ रेड कलर में हाई लाइटेड है फ्रामीन फिफ्टी सिक्स एट इनका जो है कि ट्रेनियोर रहा है ठीक है इन्हीं के टन्योर के दौरान यानी कि जब 1956 में ये प्रेसिडेंट बने तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जिसे पाकिस्तान का बुनियादी कानून फंडामेंटल लॉ भी कहा जाता है वो फ्रेम किया गया 1956 में और इन्हीं के दौरान के जो प्राइम मिनिस्टर थे इनकी हुकूमत में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मलिक फिरोज खान साहब ठीक है मलिक फिरोज खान फुल नेम मलिक फिरोज खान नून अच्छा

और फिर खान साहब ने अपनी अपॉइंटमेंट के तेरह दिन बाद मिर्जा साहब को जलावतन कर दिया और खुद को प्रेसिडेंट बना दिया कि मिर्जा मिर्जा ने खान को चीफ मार्शल बनाया फिर ऐब खान साहब ने जलावतन कर दिया स्कंदर मिर्जा साहब को और फिर खुद जो है सेकंड प्रेसिडेंट बन गए पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के सेकंड प्रेसिडेंट थे उनका जो टिन्योर है वो यहाँ पे रेड 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 लेटर्स में हाइलाइटेड है फ्रॉम 1958 टू 1969 अच्छा सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान को पाकिस्तान को दिया गया वो अयूब खान साहब की uh, सदारत के दौरान ही दिया गया क्योंकि जब मार्शल लाइन इन्फोर्स किया गया इन 1958 उन्नीस में जब इसकंदर मिर्जा साहब को एग्जाइल किया गया एग्जाइल का मतलब होता है जलावतन करना जब उनको जलावतन किया गया तो उसके बाद प्रेसिडेंट जो थे प्रेसिडेंट बने अय्यूब खान अय्यूब खान जो है कि प्रेसिडेंट बने फिर अय्यूब खान ने आ, फिर उस उन्हीं की हुकूमत के दौरान 8 जून 1962 को सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन मिला अच्छा अब 1958 से लेकर 1962 तक 44 मंथ्स जो है कि मार्शल लॉ का टेन्योर रहा यानी कि मार्शल लॉ जो थी वो 44 महीनों तक कंफर्ट्स थी फिर उसके बाद जो है कि सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन के आने के साथ-साथ मार्शला खत्म हो गई सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेम टाइम मार्शला केम टू एंड ठीक है अब अगर आप प्राइम मिनिस्टर्स की हिस्ट्री पर जाएं तो टोटल हमारे पास 24 इंक्लूडिंग 7 केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर्स हैं अगर कोई प्रेसिडेंट होगा प्रेसिडेंट कोई नहीं है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है अगर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो उसकी जगह केयर टेकर होता है टोटल इंक्लूडिंग केयर टेकिंग एंड यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरी पच्चीसवे वजीर आज इमरान खान साहब है अच्छा अब मैं दोबारा यहाँ अपनी नेक्स्ट uh, स्लाइड पर आ जाता हूँ इसमें इसमें अब नेक्स्ट इस स्लाइड में थर्ड प्रेसिडेंट जो थे मोहम्मद याया खान साहब जिनका और 1969 मोहम्मद खान साहब जो 1969 तक उनका था यहाँ पे देखें 1969 तक मोहम्मद ऐब खान साहब थे फिर उसी साल मोहम्मद याया खान जो है कि पाकिस्तान के थर्ड प्रेसिडेंट बने नो एक्ट्स एक्ट परफॉर्म्ड कोई खास बात नहीं हुई एनी यानी कि नथिंग इसेंशियल कोई खास बात उनके हुकूमत के दौरान नहीं हुई बट जो फोर्थ प्रेसिडेंट आए यानी कि 1971 में मोहम्मद याया खान साहब की 1971 में हुई, तो इनकी हुकूमत के दौरान थर्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशन नाफि किया गया याद रहे पाकिस्तान चौदह अगस्त को आजाद हुआ तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी चौदह अगस्त को चौदह अगस्त उन्नीस को पाकिस्तान को दिया एंड

अच्छा अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास पॉलिटिकल मैप मैप ऑफ ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान है ऑफिशियल आफ्टर डिक्लेरेशन एज फिफ्थ प्रोविंस ये जो है कि पॉलिटिकल मैप जारी किया गया अब इस तस्वीर में आप ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे बलूचिस्तान है यहाँ पे हमारे पास सिंध है यहाँ पे खेबर पखतुख्वा है पंजाब है तो so, मैंने इसी तस्वीर को जूम करके यहाँ लगा दिया है तो खैबर पख्तूखा गिलगित बल्तिस्तान और उसी के बाद ये वो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है ठीक है इट्स अ डिस्प्यूटेड टर्शरी इंडिया जम्मू एंड कश्मीर जो है इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया बट इट इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ठीक है लेट मी गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड अच्छा अब जोग्राफिकल लोकेशन आ जाती है हमारी अब हम आ, इंडिया को जो है कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं नेबरिंग कंट्रीज जैसे मैंने आपको पहले एक और स्लाइड में बताया था इस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ईस्ट में इंडिया है वेस्ट में ईरान है सो ये जो है कि थोड़ी डिटेल्ड है इंडिया ईरान अफगानिस्तान एंड चाइना ठीक है अब इंडिया का जो हमारी जो इंडिया के साथ बॉर्डर है यानी कि वाघा अटारी बॉर्डर है ठीक है उस पे फ्लैग सरमनी होती है उस पे जो फ्लैग सरमनी होती है टू आवर्स बिफोर सनसेट जो जो वो हर दो घंटे पहले होती है से घंटे पहले होती है, और वो बिटवीन इट इज कंडक्टेड बिटवीन पाकिस्तान रेंजर्स एंड इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसे आप बीएसएफ भी कह सकते हैं और उस सरमनी को सिली वॉक सरमनी भी कहते हैं ठीक है सिली का वैसे सिली का मतलब बेवकूफ होता है बट यहाँ पे इसका क्या मकसद है आप इस चीज को थोड़ा खुद ही पढ़िएगा आप समझ जाएंगे। uh, फिर उसके जीटी रोड जी टी इज एन एब्रीविएशन ऑफ ग्रांड ट्रंक जी टी रोड ट्रंक रोड ठीक है रेड क्लिफ बाउंड्री डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान द ब्रिटिश अपॉन दी इन 1947 यानी आजादी वाले जो हदबंदी वाली लाइन की गई डीमार्केट का मतलब होता है हदबंदी करना यहाँ डीमारकेशन का मतलब है हदबंदी हद द बाउंड्री डी मार्केशन लाइन यानी कि हद की जो लाइन है डिवाइडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान जो इंडिया और पाकिस्तान को जुदा जुदा करती है ठीक है माइग्रेंट्स फ्राम इंडिया एंटर्ड थ्रू दिस बॉर्डर यानी कि महाजरीन जो इंडिया से थे माइग्रेंट्स एक्चुअली माइग्रेंट्स का मतलब होता है जो इंडिया से आए वो इस बॉर्डर के जरिए आए ठीक है लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड आई होप यू डोन्ट है इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप कमेंट्स में नीचे जरूर बताए ठीक है